दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। SSC GD प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 62वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 7 फरवरी 2023 को 11:45 से 12:45 के बीच। आइए देखते हैं इस पेपर में कौन से सवाल पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोला, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी वृद्धि, उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है, राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव। यहां मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी 2-3% वृद्धि प्रतिशत कमी दे करके, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी ही पूछी जा रही हो, तो हमेशा ही आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। यहां पर ए और बी हमने दोनों को क्या मान के रखा है, वृद्धि प्रतिशत। अब यहां देखिए, एक तो वृद्धि है और एक कमी है, ये 12 वृद्धि है और 20 की क्या है, कमी है। तो ए को मैं 12 को वृद्धि मान लेता हूं, इसको मैं कमी मान लेता हूं। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी माइनस ही होगा। तो 12 गुणे 20 बटे कितना, 100। 0 से 0 कैंसिल, ये घटेगा तो यहां से कितना बचेगा, -60। 12 दूनी 24 और ये 0 है इसलिए दशमलव। अब दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये क्या है, माइनस लगा हुआ है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 10.4% की क्या हुई है, कमी हुई। ठीक है, सवाल में जो दिया गया है ऑप्शन, उसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10.4% की कमी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, एक अलमारी 15,500 रुपए में खरीदी गई, 260 इसके परिवहन पर खर्च कर दिए गए, 20% का लाभ करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य आपको दिया गया है। बीच में एक थोड़ा सा दिक्कत है, वो है 260 रुपए की। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, क्रय मूल्य से लेकर के विक्रय मूल्य के बीच में जितने भी खर्च किए जाते हैं वो हमेशा किसके द्वारा खर्च किए जाते हैं, क्रेता के द्वारा। पैसा उसको मिलता कब है, जब वो सामान बेचता है, तो जो भी बीच का खर्चा होगा वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। मतलब यहां पर जो आपका सीपी है, सामान खरीदा गया कितने में, 15,500 में, इस पर खर्च कितने कर दिए गए, 260 रुपए। मतलब अब जो आपका खर्चा हुआ, जो आपका क्रय मूल्य बना, वो बना 15,760 रुपए। अब इस पर हमें लाभ चाहिए, कितने का चाहिए, 20% का। इसको करने के दो तरीके हैं, 20 का लाभ मतलब 120%, और 120% का मतलब होता है 1.2 का गुणा। दूसरा तरीका, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और लाभ चाहिए मतलब यहां पर आप कर सकते हो 6/5 का गुणा, चाहे आप 1.2 का गुणा कर दो, चाहे आप 6/5 का गुणा कर दो। ठीक है, तो जो SP आपका हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, वो 15,760 गुणे 1.2, दशमलव और जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12,672,7, 12, 12, 7, 84, 7, 91, 1, 9, 12, 5, 60, 69, 6, 12, 1, 12 और 6, 18, मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 18,912 रुपए, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन मूल रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला सिंप्लीफिकेशन वो है जो बैंकिंग में पूछा जाता है, जो बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन होता है, जिसमें दशमलव रहते हैं, प्रतिशत रहते हैं, गुणा भाग कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि कैलकुलेशन जिसका अच्छा होगा वो उस सवाल को तुरंत लगा ले। दूसरा कैलकुलेशन होता है बॉन्ड मॉस का। बॉन्ड मॉस का कैलकुलेशन वो है जो रेलवे में और SSC GD जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तीसरा कैलकुलेशन होता है अल्जेब्रिक फॉर्मेट में, जिसमें लिखी तो संख्याएं होती है लेकिन सभी सवाल लगते कैसे हैं, अल्जेब्रिक फार्मूले से। चौथा सिंप्लीफिकेशन होता है मैथमेटिकल सीरीज का। SSC GD में अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेशन देखे हैं वो सारे के सारे बॉन्ड मास के हैं। और बॉन्ड मास का जो भी कैलकुलेशन है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कोष्टक को, और यहाँ पर जो कोष्टक है वो कहाँ पर है, ये लगा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इसको हल करूँ तो 5 और 15 का जो LCM है वो 15 आएगा। 5 + 15 = 12 + 15 = 15, 3 = 1, मतलब मामला कितना हो जाएगा, 15/15
मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक, ठीक है। इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू कितनी है वन। अब आप पूरे सवाल को लेके देखिए, यहाँ भाग लगा हुआ है नौ गुणे, इसको पलटा देंगे कितना हो जाएगा ये पांच बटे एक प्लस पच्चीस, इसकी वैल्यू आप एक निकाल चुके हो कुछ है नहीं इसलिए इंटू वन हो जाएगा, माइनस नाइन इंटू टू बाई। अब आप हल कर लीजिए सवाल को, तीन त्या नौ, तीन त्या नौ, अब देखिए पांच त्या ही पंद्रह प्लस पच्चीस एक कम पच्चीस माइनस तीन दुनी, अब पंद्रह पच्चीस चालीस, चालीस में से छह को घटाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 34, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर चार, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर चार। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 2500 रुपए का था, जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई लेकिन राजस्व में 15% की कमी हुई। मतलब उसने क्या किया, टिकटों की कीमत में कमी की तो टिकटों की बिक्री तो बढ़ गई लेकिन जो टोटल पैसा आ रहा था उसमें कमी हो गई, कितने की हो गई 15%, मतलब एक वृद्धि और एक कमी के बाद जो रिजल्ट है वो -15, जैसे पहले सवाल में आपने क्या निकाला था 10.4% की कमी, एक वृद्धि थी एक कमी थी, तो यहां पर 10.4 सपोज दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है आपको 20 का निकालना, ठीक है। अब यहां देख लीजिए 15 की कमी की गई, टिकट की घटी हुई कीमत अच्छा रुपए में दे दिया गया है मामला, प्रतिशत में होता तो तुरंत निकाल लेते, अब प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत में नहीं है तो पहले आप प्रतिशत निकाल लीजिए फिर घटी हुई कीमत निकाल लीजिए। अब देखिए मामला क्या है, सब फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%, तो यही है। अब यहां पर देखिए टोटल जो रिजल्टेंट है वो है 15 की कमी, ठीक है, एक जगह उसने 50 की वृद्धि की है, दूसरी जगह कमी हो रही है और प्लस सॉरी एक प्लस एक माइनस है तो माइनस ही होगा, 50 गुणे बी बटे कितना, अब दोनों प्रतिशत में इसलिए मैंने प्रतिशत लिया नहीं, ठीक। अब ये 50 को अगर मैं इधर ले जाऊं 50 से कम 50, 50 दूनी 100, दो का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये -15 -50 बराबर 2b माइनस बी बटे, अब ये 2b इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -65 गुणे 2 सॉरी 2b भी माइनस में ही बराबर -3b, ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 130/3%, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 130/300। ये भी अब देखिए जो कमी हुई है, अब यहां पर सवाल में थोड़ा सा ये 13/30 मत निकाल दीजिएगा, ये कमी हुई है तो जो बची हुई कीमत जो है, जो बची हुई कीमत है, बची हुई कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी, 30 में से 13 को घटा दीजिए 17/, मतलब कीमत 30 थी उसमें 13 की कमी हो गई तो अब वो कीमत कितनी बची है 17 बची है, 30 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, 17 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए 2500 × 17/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3×8=24, 3×9 3×9 17 का गुणा, 17×3=51, 5 17×3=51, 5×56 5, 17×8=136 और 5×141 1416.1 रुपये, ये उस टिकट की बची हुई कीमत, कम हुई कीमत मेरे से पूछ रहा होता तो मैं यहां पर 13/30 का, ठीक है, प्रतिशत में अगर मेरे से पूछ रहा होता तो मैं 13/130/3%, ये है परसेंटेज पूछा होता तो मैं केवल इतना लगा था, तो 1416.1 ये होगा उत्तर, एग्जैक्ट नहीं आया 0.67 है, वहां 0.1 है मान लीजिएगा वही है क्योंकि आगे अगर आप हल करोगे तो 0.33333 कई बार आएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेब और आम मिला करके दे रहा है, पैकेट में 100 रुपये प्रति केजी की औसत से कुल 12 केजी फल है, पैकेट में 90 रुपये प्रति केजी की दर से 8 केजी सेब है,
जबकि एक्स रुपए प्रति केजी की दर से 4 केजी आम है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा किसका है, एलिगेशन का, और दूसरा तरीका हमारा क्या है, बेसिक का। पहले मैं बेसिक की बात कर लेता हूं। देखिए 12 केजी फल है, प्रत्येक फल की कीमत कितनी है, 100 रुपए प्रति। अब आप देखिए तो जो टोटल कीमत होगी वो कितनी होगी, 12 गुणे 100 बराबर। अब यहां देखिए 90 की केजी से 8 केजी, मतलब 90 रुपए की रेट के हिसाब से 8, और प्लस एक्स रुपए के हिसाब से 4, मतलब एक्स गुणे 4। अब यहां देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1200, और माइनस 720, घटाएंगे 80 800 480 आ जाए, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480/4, मतलब उत्तर हो जाएगा 120 रुपए प्रति केजी, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेसिक ही बहुत सरल है। ठीक, वैसे अब आप देखिए यहां पर देखिए कितने केजी फल था, 100 था, 90 था, एवरेज से सवाल निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा एवरेज से। ठीक है, बेसिक ही बहुत इजी है, इसी से लगा लीजिए। 8 और 4 का मामला है, मतलब मामला कितने का है, 2:1 का, मतलब कुल मिलाकर के हम कितना मान लेते हैं, 3 केजी। ठीक है, तो 3 केजी अगर आप मान लोगे तो 2 केजी किस रेट पर है, 90 के रेट पर, और 1 केजी आपको निकालना है, और 3 केजी कितने के रेट पर है, 100 केजी, मतलब 300 माइनस 180, 120 बचेगा, तो 1 की वैल्यू 120 आ जाएगी। ठीक है, मतलब मैं इसको रेशियो में लेने की बात कर रहा हूं, ये 12 को 3 मान लेंगे, 8 को 2 मान लेंगे, 4 को 1 मान। ठीक, बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या है, रमेश को 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 ऑफर मिल रहे थे, वह या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट ले सकता था, या 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट ले सकता था। रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना को चुना, तो उसने अन्य योजना के मुकाबले कितनी अधिक बचत की। कई सवाल इस तरीके के जहां पर दोनों का सम बराबर होता है। देखिए 20 20 40 30 और 10 40। पहली बात तो यह है कि जब छूट का मामला होता है तो मामला ये बनता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब देखिए अगर मैं 20 20 की छूट दूं, दोनों के बीच में फर्क कितना, देखिए 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे, और यहां क्या हो जाएगा, 30 धन 10 माइनस 30 गुणे 10 बटे। अब आप देखिए इसकी वैल्यू भी कितनी है, 40, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 40, तो इन दोनों को करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। और यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर कितने का मामला है, 4% का, यहां पर कितने का मामला है, परसेंट का, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ऋण 4 है, यहां पर ऋण 3 है, मतलब फायदा यहां होगा, क्यों, क्योंकि ये 40 माइनस 4, यहां छूट कितनी है, 36%, 40 माइनस 3, यहां छूट कितनी है, 36%, और दोनों के बीच में अंतर देखो कितने का है, 1% का, आपको अंतर ही तो पूछा जा रहा है, क्या आवश्यकता है पूरा सवाल लगाने की। यहां इस सवाल को देखते साथ ही आप ये कह सकते हो 20 20 की 2 40 30 और 10 मिलाकर के 40, मतलब 20 गुणे 20, और वहां पे 30 गुणे 10 काटेंगे तो यहां 4 आएगा, वहां 3 आएगा, दोनों के बीच का जो फर्क है वो कितने का है, 1% का। सामान कितने का है, 800 का, देखिए यहां फर्क कितने का है, 1% का, तो जो 800 का 1% होगा वो कितना होगा, 1 2 1 2, मतलब कितने रुपए का अंतर आएगा, जो बेहतर योजना अगर वो चूज करेगा तो उसे कितने रुपए का फायदा हो जाएगा, 8 रुपये का। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, चाहे वो प्रतिशत में पूछा गया हो और चाहे वो रुपए में पूछा गया हो, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों समान है तो आपको केवल ए इंटू बी अपॉन 100 की वैल्यू ही निकालनी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सवाल बोल रहा है 1920 में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ का प्रतिशत 1280 रुपए में इसी वस्तु को बेची हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना, शायद ये प्रॉफिट एंड लॉस में पहली बार ये सवाल है।
जब कभी भी लाभ और हानि का प्रतिशत समान होता है तो क्रय मूल्य बराबर होता है दोनों के विक्रय मूल्यों का योग बटे दो। सवाल वास्तव में बोल क्या रहा है, देखिए यहां पर रहता है सीपी, एक बार उसने कितने में बेचा, एक बार उसने इसको बेचा है 1280 में, एक बार उसने कितने में बेचा है, एक बार उसने बेचा है, मैं दो तरीके से बता रहा हूं, देखिए यहां पर उसको लॉस हो रहा है, यहां पर उसको प्रॉफिट हो, ये है मामला। अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। अब अगर मैं मान लीजिए यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो जितना एक ये है उतना ही एक ये है, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है 1280 से लेकर के वो कितने तक गया है, 1920 तक गया है। तो यहां पर अगर मैं देखूं ये टोटल चला कितना है, 1280 20 मिला दिया 1300, 620 और 20 640, ठीक है, तो 640 तो यहां हुआ, और ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस का जो परसेंट है वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है, मतलब 320 का लाभ होगा या 320 रुपए की हानि होगी, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए मैं यहां बोल रहा हूं यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 640, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है, मतलब 640 बटे 2 तो 6 2 2 4 320 रुपए, मतलब यहां पर 320 का ही लाभ हानि हो रही है और यहां पे 320 का लाभ हो रहा है। अब अगर आप इसको जोड़ दोगे तो 12 3 15 15 और 1 1600 रुपए, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है 1600 रुपए, लाभ कितना चाहिए उसको 25 का लाभ का मतलब हुआ 1/4, और लाभ चाहिए मतलब मामला कितने का है 5/4 का, मतलब 1600 × 5/4 ये कितना हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। ये तो है तब जब सवाल कई तरीके, इसमें देखिए बहुत सारे तरीके के सवाल आते हैं, लाभ का परसेंटेज अलग है, प्रॉफिट का परसेंटेज अलग है, ठीक है, दूसरा सवाल पूछा जाता है लाभ अलग है और वो क्या बोलते हैं हानि अलग है, जैसे बोले लाभ हानि का 1400 × 2/7% है, लाभ हानि का 1400 × 2/7% की वैल्यू 1/7 है, मतलब लाभ एक है तो हानि कितनी है 7 है, तो यहां से यहां तक का जो फर्क है वो कितना हो जाएगा 8 का, और यहां से यहां तक का फर्क निकाल लीजिए और फर्क निकाल के 8 का भाग दे दीजिए, लॉस में जोड़ देंगे तो सीपी मिल जाएगा, और ये प्रॉफिट वाले में घटा देंगे तो भी सीपी मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं जो बहुत ज्यादा, लेकिन ये केवल इसी जगह पे काम करेगा, मतलब कब के लिए है ये, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो हानि प्रतिशत, तब सीपी बराबर कितना हो जाता है SP1 + SP2/2। अब देखिए पहला कितना है 1280, दूसरा कितना है, अच्छा 1920 है, पहले 1920 और प्लस 1280 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 1921 3200 बटे 2, मतलब सीपी कितना हो जाएगा, वहां भी आपने 1600 रुपए निकाला था, लेकिन यह फॉर्मूला केवल और केवल तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब लाभ और हानि दोनों का प्रतिशत समान हो। अब यहां पे देखिए 1600 रुपए आ गया, अब 25% लाभ, 25% की वैल्यू 1/4, और लाभ है मतलब मामला कितने का है 5/4 का, तो जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 1600 × 5/4 काटेंगे ये कितना 400 में 5 का गुणा करेंगे, उत्तर कितना हो जाएगा 2000 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो अगर लाभ और हानि दोनों प्रतिशत बराबर है तो ये बात हमेशा याद रखिए, दोनों के विक्रय मूल्यों को जोड़ करके 2 का भाग देने पर आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की, अगला क्वेश्चन हमसे क्या, एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो 420 मीटर है, बट नेचुरल है चोर आगे खड़ा है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये मामला अभी तक के सवालों में ये चीज नहीं रहती, यहां मामला क्या रहता है, समय समान है, और अगर समय समान है तो चाल और दूरी का अनुपात भी समान होना चाहिए। अब यहां पर आप देख लीजिए कि देखिए मैं स्पीड की बात करूं तो ये हो गए अपने पुलिस चाचा और ये हो गए अपने चोर कक्का, ठीक है, पुलिस वाले की जो चाल है वो 25 है, ये 20, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है ये भी 25-20 होगी,
दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 25 और 20। लेकिन अब यहां पर मामला ये वाला नहीं है, ये सवाल में तब इस्तेमाल करो आप जब जब क्या हो, कितने मिनट के बाद या कितनी समय के बाद उसको पकड़ लिया जाएगा, तब तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। दूरी का डिफरेंस कितना है, 420 है, यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है, तो 5 की वैल्यू 420 मतलब 5 अठे 40, 5 चौके 20, ठीक है, मतलब फर्क कितने का आ जाएगा, 84, ठीक है। तो अब ये कितना दौड़ेगा, 84 × 25, ये कितना दौड़ेगा, 84 × दूरी निकल आएगी। समय पूछ रहा होता तो 84 × 25 बटे 25, 84 × 20 बटे 24, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो चाल का अंतर है, चाल का अंतर जो है वो कितना है, 25 − 20, मतलब टोटल जो फर्क है वो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसको दौड़ना कितने मिनट है, 3 मिनट, दौड़ना कितने मिनट है, 3 मिनट, मिनट। तो अब आप इसको किस में बदलोगे, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर को मीटर बनाना मतलब बड़े को छोटा बना रहे हो, तो छोटा का गुणा करो, तो 5 × 5/18, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप। अब इसको दौड़ाना कितना है, दूरी बराबर होता कितना है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल आपकी है 5 × 5/18, समय है आपका 3, लेकिन मिनट में है इसलिए सेकंड में बदल दीजिए, ठीक है। ये लग गया सवाल। अब देखिए 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 60, 5 × 5 = 20, मतलब 250 मीटर तो वो कवर कर लेगा, कितने मिनट में, 3 मिनट में। ये आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूरी थी कितनी, 420, मतलब जो बची दूरी है, जो बची दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 420 − 250, मतलब उत्तर आ जाएगा 170 मीटर, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। अच्छा सवाल कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक सवाल में सीधा सीधा पूछा जाता था, दूरी का अंतर दे दिया गया, समय समान है तो चाल और दूरी का अनुपात एक जैसा ही होता है, अगर समय समान है तो, ठीक है। यहाँ फर्क मुझे दिया हुआ है, कितनी दूरी के बाद उसको पकड़ लिया जाएगा, तुरंत उत्तर आ जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को, मतलब एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, बहुत ही सरल सवाल हो गया ये। देखिए ए बी कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में, ये टाइम 16 और 24 किससे कटेंगे, 2 8 से 8 × 16, 8 × 3 = 24, 3 × 2 = 8, 6 × 6 = 48, मतलब इसका जो LCM है ये 48 आएगा, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी, 48 में 16 का भाग दिया 3, 48 में 24 का भाग दिया 2। अब देखिए ए और बी मिलके 3 काम कर रहे हैं, बी 2 काम कर रहा है, मतलब ए कितना काम कर रहा है, मतलब ए की जो क्षमता है वो 1 है, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो कितने दिनों में करेगा भाई, 48 बटे 1, मतलब उत्तर हो जाएगा 48 दिन, टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही सरल सवाल कहा जाएगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक तरह से ये टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल है, जब टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं टाइम वाले सवालों को, तो वहां पर इस सवाल को पढ़ाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, काम शुरू किया, 5 दिनों के बाद 10 और आदमी काम पर जुड़ गए, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ कल के पेपर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी इस तरीके का मामला होता है हम हमेशा सवाल को शुरू करते हैं बचे हुए काम, कहाँ से शुरू करते हैं, बचे हुए काम से। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल में बचा हुआ काम नहीं पूछा कितने दिनों में पूरा होगा, सवाल आपसे ये पूछ रहा, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, जितने दिन काम चल चुका, जैसे कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में 10 लोग हैं, 30 दिनों का हम खाना लेकर के आए, जो भी खाना हमारे यहाँ लगता है। अब 10 दिनों के बाद हमारे यहाँ 10 मेहमान आ गए, अब 10 लोगों का खाना हमारे पास 20 दिनों का है, अब उस खाने को 20 लोग खाएंगे, 20 लोग खाएंगे तो 10 ही दिन चलेगा। तो अगर मैं पूछूं कि बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, तो 10 दिन, पूरा खाना कितने दिन चलेगा, तो भैया 10 दिन तो वो पहले चल चुका है, 10 दिन अभी भी चल रहा है, मतलब जो खाना 30 दिन का था अब वो 20 दिन, ठीक है। कुछ ऐसा ही इस सवाल में, देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं बचे हुए काम, अभी बात हो रही है बचे काम की। देखिए
40 आदमियों का 15 दिन का काम था, 5 दिन काम चल गया, मतलब अब जो काम बचा है वो 40 आदमियों का 10 दिनों का बचा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10 और आदमी काम पे जुड़ गए तो 40 तो थे ही, 10 और जुड़ गए तो कितने हो गए 50, अब यह काम कितने दिन चलेगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 8 40, मतलब जो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बचा हुआ काम कितने दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा। तो अगर वो कुल काम की बात करेगा, कुल दिनों की बात करेगा, तो भैया 8 दिन तो ये बचे हुए काम की बात थी, 5 दिनों के बाद, मतलब ये 5 दिन तो काम पहले भी चल चुका था, तो प्लस कितना 5 दिन, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 13 दिन, और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, अच्छा सवाल ये इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसने पूरे काम की बात कर ली है, बचे हुए काम की बात नहीं किया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता कितना है, मैं आपको बताऊं, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों ही समान होता है, अर्धगोले में वो अलग अलग होता है लेकिन गोले में समान होता है। तो अब जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो होता कितना है, 4πr² और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 22,100। ठीक है, अब आपको पहले तो व्यास निकालना तो पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, 4×22×r² = 22,176। काट लेते हैं यहीं से काटना शुरू करते हैं, 11 × 22, 11 × 22, 11 × 11, 11 × 6, 6। ठीक है, 4×8, 8×16, 8×5, 40 और 8×6, 48। देखिए 8×16, 4×8, 8×2, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, अच्छा ठीक है। तो अब r² = कितना हो जाएगा, 252 और गुणे कितना 7। अब देखिए अगर यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे r है, सीधा सीधा मामला, मतलब 7 से ये कटेगा, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 7×21, 7×6 = 42, × 7 × 7। तो अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इस 36 का वर्गमूल 6 और इन दोनों 7 से 7, मतलब r बराबर कितना हो जाएगा 42। तो जो व्यास है, व्यास d बराबर क्या होता है 2r, मतलब 2×42, उत्तर कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ एक गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा है और वो ये है कि जैसे ही आपको त्रिज्या मिले आप इस सवाल को वहीं पे छोड़ दोगे और 42 भी आपके ऑप्शन में दिया गया, पहली गलती होने की संभावना। दूसरी गलती होने की संभावना, जब आप कट करेंगे तो ये 252 आ रहा है तो कुछ लोगों के दिमाग में 256 घूम जाएगा, मामला क्या है 256 है, तो 16×32 या 32 ऑप्शन में मान लीजिए नहीं है। ठीक है, तो काटते समय विशेष ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि त्रिज्या नहीं पूछी गई है, पूछा क्या गया है व्यास। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, कुछ बड़ा सा सवाल लिख रहा है। सवाल आपको बोला है, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर 20% की छूट दे रही है जिसकी कीमत 80,000 या उससे अधिक है, मतलब 80,000 या अधिक, इस पर कितने की छूट दे रही है 20%। ठीक है, फिर बोल रहा है 50,000 और 79,999 के बीच में कितने की छूट मिल रही है 16%, मतलब 50,000 से 79,999 रुपए तक 16%, क्यों 80,000 से ऊपर तो 20% की हो जाएगी। ठीक है, 20,000 से 49,999, मतलब 20,000 रुपए से 49,000, यहाँ 50,000 तो इसमें आ गया है, 49,999 पर कितने की छूट है 10% की। ठीक है, कवर पर, मोबाइल चार्ज पर, इस पर कितने की छूट है 3% की, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, देखते हैं सवाल बोल क्या रहा है। नियम और शर्तों के हिसाब से ये सभी छूटें स्वतंत्र हैं, मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, अजय ने 40,000 रुपए की कीमत का एक मोबाइल
90,000 रुपए की 40,000 की कीमत का। अब आप देखना 40,000 कीमत, अब आप खुद देखो 40,000 किस रेंज में आएगा, इस रेंज में यहां आएगा। 90,000 रुपए का लैपटॉप 90,000 किस रेंज में आएगा, इस रेंज में यहां पे फंस जाएगा ये 90,000 रुपए का। और 400 रुपए का कवर, कवर 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 ये 3% वाले में आ जाएगा, ये पहुंच जाएगा किस पर, 3% वाले में। पूछ क्या रहा है सवाल में, उसे कुल कितनी छूट मिली। ठीक है, अब देखिए इस पर छूट कितने की मिलेगी, 20% की। इस पर छूट कितने की मिलेगी, 10% की। और इस पर छूट कितने की मिलेगी, 3% की। छूट आपसे पूछा है, कीमत कितनी अदा करेगा ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए 90,000 का 20% कितना होगा भाई, देखिए 20 कैंसिल करेंगे, 9 × 2 = 18। 90,000 का 20% की छूट दे रही, 90,000 का कितने परसेंट निकालना है, 20%। 1 × 2 = 9 × 2 = 18, मतलब यहां तो छूट उसको मिल जाएगी 18,000 की। ठीक है, इस जगह पर छूट कितने की मिलेगी भाई, 40,000 का सामान है, 10 की छूट, 1 × 2 = 2, मतलब यहां पर छूट कितने की मिल जाएगी, 4,000। फिर कवर कितने का था, 400 का, 400 के सामान पर कितने की छूट मिलेगी, 3% की, 1 × 2 = 2, मतलब यहां पर छूट मिल जाएगी 12। ये है था। अब 18,000 रुपए की टोटल छूट मिलेगी, 22,012 रुपए की टोटल छूट आदमी। यह है सवाल, जवाब सवाल में ऐसे है कुछ नहीं, पढ़ते पढ़ते भी इस सवाल को आप भले अलग से इसलिए लिख दिया कि सवाल आपको समझने में आसानी हो। 90,000 का 20% पता है, 90,000 का 10% 9,000 होगा, 10 हटा दीजिए 20% 18,000। 40,000 का 10% 10 हटा दीजिए 4,000 हो जाएगा। 400 का 3% 20 हटा दिया 4 × 3 = 12 रुपए। ठीक है, तो 18,000, 4,000 और 12 रुपए, तो 18,000 × 4 = 22,000 रुपए उसको टोटल छूट मिलेगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज और पूछी जा सकती थी, कितने रुपए उसको अदा करने पड़ेंगे। तो अदा करने के लिए अब आप खुद ही सोचो, 90, 40 और 400, 130,400 रुपए का सामान खरीदा, 22,012 रुपए की उसको छूट मिल गई, उसमें से आप उसको हटा दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देख लेते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4,900, 5 वर्षों में 6,400 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष और 5 वर्ष फर्क कितने का है, 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि किया जाता है दर ज्ञात करें। ठीक है, बढ़िया सवाल है, सरल सवाल है। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सवाल में आपको बोल रहा है 3 वर्षों में कितनी हो रही है ये 400, 5 वर्षों में ये कितनी हो रही है 6,400। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप फर्क कितने का है, 2 वर्ष का, मतलब पूरा मामला क्या, देखिए 4,900 से कोई चीज हो गई 6,400 रुपए, कितने में, 2 वर्ष। ये आपकी कहानी है, तो ये और कैंसिल हो गया। अब 2 वर्ष है तो ये रूट लग जाएगा, सॉरी रूट ऑफ 49 और रूट ऑफ 64, 49 की वैल्यू 7, 64 की वैल्यू 8, मतलब ब्याज कितनी मिल रही है, 1। ब्याज कितनी मिल रही है, 1 की। और दर कितनी हो जाएगी, दर बराबर हो जाएगा 1/7 × 100, और हमें पता ही है कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 / 2/7। ठीक है, दिया है क्या, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, ये आपका जवाब हो जाएगा कितना, 14 / 2/7। सरल सवाल कहा जाएगा इसमें, तो मैंने आप लोगों को ये चीज बार बार बताई है, जब कभी भी मामला इस तरह का रहे, 3 साल का होता तो मैं क्यूब रूट कर देता, 2 साल का है तो स्क्वायर रूट निकाल लिया है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमें बोल रहा है, वर्ष 2019 में 1,20,000 रुपए की राशि का 12% वार्षिक की दर से सावधि जमा में निवेश किया। ठीक है, 19 में जमा किया गया 12% की दर, वार्षिक चक्रवृद्धि 2022, बाप रे सवाल कैलकुलेटिव हो गया। खैर, 2019 से 2022 कितने साल लगा रहा, 3 साल, कितने रुपए जमा किए गए हैं, 1,20,000 रुपए, दर कितनी दी गई है, 12%। सबसे पहले तो हम इसी को ब्रेक करते हैं,
12% का मतलब कितना होता है? 12/100, जिनको पता उनको पता भी होगा, मामला 3/1। मतलब कहानी क्या है, 25 से कितनी हो रही है 28। अब 3 साल का मामला है तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब यहां की कहानी क्या हो गई, 25 × 25 × 25, और यहां की कहानी क्या हो गई, 28 × 28 × 28। यही कैलकुलेशन मुश्किल। अब इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 1,30,000। यह है आपका सवाल। अब अगर मैं देखूं तो पूरा मामला क्या हो जाएगा, 25 दो जीरो उड़ा दो 4 आ जाएगा, 25 फिर दो जीरो उड़ा दो 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक की जो वैल्यू है, एक बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 4 × 4 / कितना, इसी का गुणा वहां पे होना है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 12 × 4 × 4 / कितना, 25। ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है, ठीक है। ओ 25 का भाग मतलब 4 का गुणा। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां भी 4 मार देता हूं, इसको मैं पूरा 100 बना लेता हूं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब 28 का स्क्वायर तक तो मामला ठीक है, 28 की घाते 3 करना थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला। फिर उस पे 64 का गुणा करना है, कैसे कर सकते हैं इसको, गुणा करने का कोई तरीका, 784 × 12, इसका मान तो 784, 784 × 28 × 12, ये है आपका मामला। दशमलव तो बाद में हम लगा ही लेंगे, ये 28 दिक्कत पैदा कर रहा है। चलिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्यूब रूट निकालना मैं आप लोगों को सिखा दूं थोड़ा सा, ये आप समझ लीजिए कैसे निकाल। देखिए अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं, ए बी का क्यूब आपको निकालना है, तो इसमें आप हमेशा याद रखिए, ए का क्यूब बी का क्यूब 3a² b और 3ab, ये फॉर्मूला सभी को पता भी होगा, ए धन बी के क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे देखिए मुझे 28 की घाते 3 निकालनी, मतलब ये मामला 20 × 8 का, 0 कितना है 1 है, मतलब यहां भी मैं एक ही अंक लूंगा, यहां भी मैं एक ही अंक लूंगा, यहां भी मैं एक ही अंक लूंगा। अब देखिए पूरा मामला क्या बनेगा, 2 की घाते 3, 8 की घाते 3, 3 × 2 की घाते 2 × 8, 3 × 2 × 8 की घाते। अब देखिए ये हो जाएगा 512 51। अब देखिए 3 × 6 × कितना है 64, तो 6 × 4 = 24, 6×6 = 36 और 2 = 38। यहाँ भी एक ही अंक लेंगे, ये हासिल में चला जाएगा, 4×3 = 12, 12×8 = 96, 6 ये 9 हासिल में चला जाएगा, और ये कितना है 8। अब आप जोड़ते चले जाइए, ये 2 × 51 और 4 = 55, 5 × 38 = 43, 43×6 = 49, 9×4 = 13, 13 × 8 ये होता है 21,952, ठीक है। कैसे निकाला, यहाँ एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे 36 का क्यूब निकालना होता तो मैं क्या करता, 3 की घाते 3, 3 × 3 का² × 6, इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, और 3 × 3 × 6 का² और 6 की घाते, यही करता। अब देखिए 6 की घाते 3 का मामला 216, लेकिन मैं एक ही अंक ले सकता हूँ, ये 30 + 6 है, ठीक है। 3 × 9 = 36, 36 × 9 = 54, 9 × 3 = 27, 27 × 5 = 32, 3 × 9 = 27, 27 × 6 = 42, 6×2 = 12 और 4 = 16, और 3 × 9 = 27। अब आप इसको जोड़ दीजिए, देखिए 6×21 = 25 की 5 हासिल आई 2, 32×2 = 34, 34×2 = 36 की 6 हासिल आई 3, 16×3 = 19, 7×26 की 6 हासिल आई 2, और 2×2 = 4, ये इसका, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों से बननी चाहिए।
ठीक है। अब देखिए 21952 इसका क्यूब है, या तो आपको याद हो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 21952, ठीक है, गुणे 12 गुणे 16 गुणे 4। अब मैं सवाल को ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, पहले मैं 16 का ही गुणा मान लेता हूँ, तो 16 दुनी 32, 16 पंच 80, 3 83, 8 16 नहीं है 144, 8 152 की 15, 16 कम 16 15 31, ये एक हासिल आई 3, 16 दुनी 32 और 3 35। अब मैं इसमें 12 का गुणा करूंगा, तो 12 दुनी 24, 12 तय 36, 2 38, 12 दुनी 24, 24 3 27, 12 कम 12 2 14, 12 पंच 60 61, 12 तय 36 6 42। अब मैं इसमें 4 का गुणा मारूंगा, तो 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, 4 7 28 3 31, 4 चौके 16 3 19, 4 एक कम 4 और 1 5, 4 दुनी 8, 4 चौके 16, ये दो जीरो था, ये दो जीरो, ये मेरा उत्तर हो जाएगा 168,591 रुपया 36 पैसा दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, एसएससी जीडी में एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें अच्छा खासा कैलकुलेशन है, तो आप लोग अभी भी अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन अच्छा नहीं किया है तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है, और 25, 5, 125 का गुणा करना, भाग देना, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक बेलन की ऊंचाई में, बेलन की बात हो रही है, 25% की वृद्धि और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी आती है। बढ़िया सवाल कहा जाएगा, ऐसा सवाल कहा जाएगा, ये बढ़िया सवाल कहा जाएगा। भाई बढ़िया सवाल क्यों कहा जाएगा, हेलो क्या हो गया, क्यों मैं इसको बढ़िया सवाल बोल रहा हूं, क्योंकि इस सवाल को आप चाहो तो मेंसुरेशन की निगाह से भी देख सकते हो और इस सवाल को आप चाहो तो परसेंटेज की निगाह से भी देख सकते हो। अब आप देखिए बात हो रही है बेलन की और बेलन के वक्र पृष्ठ की, तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो होता कितना है भाई, 2πr। अब यहां आप देखिए बेलन 2 सेंटीमीटर का हो चाहे 200 सेंटीमीटर का हो, 2 और पाई की वैल्यू तो बदलनी नहीं है, वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, त्रिज्या में और ऊंचाई में। अब आप देखिए कितने खूबसूरती के साथ सवाल दिया गया है, दोनों प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत है, ठीक है, और मैंने आपको ये बात बताई भी कि 2 वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत, 3 वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत दिए गए हो, तो सवाल को लगाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये सवाल, ये परसेंट। अब आप यहां पे देख लीजिए चूंकि दो ही बार, हाँ अब यहां पर अगर मान लीजिए आयतन की बात किया होता तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता, मतलब त्रिज्या में जो वृद्धि होगी वो 2 बार होगी, ऊंचाई में जो वृद्धि होगी वो 1 बार होगी, तब मामला हम परसेंटेज को कितनी बार, त्रिज्या वाले परसेंटेज को 2 बार लेते, ऊंचाई वाले परसेंटेज को केवल 1 ही बार कैलकुलेट करते। अब देखिए ऊंचाई में 25 की वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में 15 की कमी हो रही है, मतलब 25 की वृद्धि 15 की कमी, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 25 गुणे 15 बटे, ठीक है, 25 में से 15 गया कितना बचा 10, 10 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, यह है गया, तो 10 में से 4 चला जाएगा कितना बचेगा 6, 75 को पूरा करने के लिए चाहिए 25, मतलब 6.25% की क्या होगी इसमें, ये हो जाएगा 6.25% की क्या होगी इसमें। अगर यही मामला माइनस में आ गया होता तो हम क्या लिख देते, क्या होगी उसमें कमी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है, सेम सवाल है, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर, पुलिसकर्मी एक मिनट में 26 मीटर, चोर 20 मीटर दौड़ता है, ठीक है, पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय समान है,
समय समान है। चाल आपको दी गई है, चाल कितनी दी गई है 26 मीटर और इसकी कितनी दी गई है 20 मीटर, ठीक है। और यहां पर जब समय समान होता है तो चाल और दूरी का अनुपात क्या होता है, एक बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए समय समान है, तो अगर मैं पुलिस की बात करूं, ये हमारे पुलिस चाचा है और ये हमारे चोर कक्का हो, ठीक है। पुलिस 26 दौड़ रही है और ये 20 दौड़ रहा है, ये तो आपको स्पीड का रेशियो है, मतलब अनुपात कितना है 13 का और 10 का, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है ये भी 13 और 10 का होना चाहिए। फर्क मुझे कितने का दिख रहा है, 3 का, और ये कितना आगे है 120, तो 3 बराबर 120 मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, मतलब चोर कक्का ये पुलिस कक्का कितना दौड़े हैं 13 × 40 मतलब 13 × 52 520 कितना दौड़े हैं 520 मीटर। अब ये दौड़ते कितना थे भाई, आपको क्या पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी है 520 दौड़े हैं ये, और चाल कितनी थी इनकी 26 थी, तो 26 × 52 ये 26 मीटर एक मिनट में था, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 20 मिनट के बाद चोर कक्का पकड़ लिए जाएंगे, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। इस तरह के सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। हाँ, इसी पेपर में जो इसके पहले वाला सवाल पुलिस और चोर वाला आया था, वो सवाल पहली बार पूछा गया था। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, इसमें दूरी पूछा जाता है कितनी दूरी दौड़ेंगे 520 मीटर दौड़ेंगे, सवाल समय पूछा जाता है तो दूरी बटे चाल कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त n है तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल, 110 तक का आपको दिया गया है। अब 111, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। यहां ये थोड़ा सा सवाल दिमाग वाला हो गया। देखिए 110 तक का तो कितना है n है, मतलब 1 से लेकर के 110 तक का इसका जो LCM है वो कितना है, इसका जो LCM है 1 से लेकर के 110 तक का वो कितना है। अब इसके आगे जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 111, ये मिलेगी 112, 113, 114 और 100। अब देखना ये है इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर के 110 के बीच में नहीं आई है, अगर आ चुकी है तो वो इनमें शामिल होगी, अगर वो संख्या आ चुकी है तो वो तो इनमें ऑलरेडी शामिल होगी, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है कि किसी भी संख्या से एलसीएम में भाग दिया जाए, जितने तक का एलसीएम है तो वो पूरा पूरा कटना चाहिए, मतलब वो संख्या अगर आ चुकी है तो उसके हमें शामिल नहीं करना। अब देखिए 111, 111 का मतलब कितना होता है 3 × 37, 1, 1, 2, 1, 3 अंकों का योग 3 से कट रहा है, 3 से हमने काटा तो 37 आ गया। वैसे भी आप हमेशा याद रखिए 37 × 3 का मान 111, 67 × 3 का मान 201 होता है, ठीक है। 112 देखिए ये किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 × 8, 4 × 8, 4 × 8, 4 × 8, 32 अभी भी 4 से कट जाएगा, तो 4 × 4 × 7। अब देखिए 110 तक में 4 × 16 भी आ चुका है और 7 भी आ चुका है, इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। 113, 3, 1, 4, 1, 5 ये किसी से नहीं कटेगी, तो ऐसे रह देते हैं, इसको तो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 से कट जाएगी, तो 2 × 5, 10, 2 × 7, 14। अब इसके बाद और ये कटेगी, 2 × 3 × कितना 19। अब देखिए 110 तक में 2, 3 और 19 तो आ ही चुके हैं, 115 का इकाई अंक 5 है तो ये किससे कटेगी, 5 × कितना 23। अब 110 तक में 5 भी आ चुका है, 23 भी आ चुका है, मतलब इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो यहां तक में ना आई हो, मतलब मेरे कहने का यह हुआ इनमें से किसी भी संख्या को नहीं लिया जाएगा। लिया किसको जाएगा, लिया जाएगा 113 को। यहां तक का उत्तर n था, मतलब n × 113 तो उत्तर हो जाएगा 113 n। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, ठीक है। इस सवाल में मैं आपको एक बार थोड़ी सी समझा भी दूं, स्क्रीनशॉट आप लोग लीज लीजिए। देखिए वास्तव में होता क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं प्रथम 5 संख्याएं, प्रथम 5 संख्याएं मतलब 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रथम 6 संख्याओं, इनका मैं एलसीएम निकाल लेता हूं,
अब देखिए अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो मेरा फोकस सबसे बड़ी संख्या पे होगा, दो त्याई छः, दो इसमें आ गया, तीन इसमें आ गया, चार बनाने के लिए दो गुणे तीन गुणे दो गुणे पाँच, मतलब इसका जो एलसीएम है, एलसीएम है वो कितना है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको दस तक संख्या ले लीजिए, तो छः तक तो आप ले ही चुके हो, अब बचा कितना, सात आठ नौ और दस। अब आप देखिए यहाँ पे सात आया है क्या, नहीं आया है, तो जब यहाँ तक का एलसीएम आप निकालोगे तो साठ तो रखोगे ही, सात और रख दोगे, आठ आपको कितनी बार चाहिए, तीन बार, यहाँ कितनी बार आया है, दो बार, दो बार आया है तो एक बार और लेना पड़ेगा, नौ, नौ कितनी बार आया है, नौ में तीन दो बार है, यहाँ एक बार है तो एक बार और इसको लेना पड़ेगा, दस, दो पंचे दस आ चुका है, मतलब दस तक की जो संख्या है उसका एलसीएम ये होगा। अब देखिए सात दो और तीन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आठ भी इसके पहले नहीं आया था, आठ में दो कितनी बार होता है, तीन बार होता है, नौ भी तीन दो बार होता है, तीन एक ही बार आया था तो एक बार मुझे लेना पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि हम केवल वो चीजें बढ़ाते हैं जो अभी तक नहीं आई है। 110 तक में तीन गुणे सैंतीस, सैंतीस भी आ चुका है, तीन भी आ चुका है, सोलह सत्तर 112, सोलह भी आ चुका है, सात भी आ चुका है, 113 अभाज्य संख्या, 113 अभी तक नहीं आई है, 114 19 भी आ चुका है, छह भी आ चुका है, 115 23 भी आ चुका है, पांच भी आ, 110 तक में ये सब शामिल है, केवल एक संख्या शामिल नहीं थी 113, इसलिए मुझे n में 113 का गुणा करना पड़ेगा तो मेरा जो LCM है वो होगा 113। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध और 8 भाग पानी, मिश्रण के कितने भाग को हटाकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो। बेहतरीन सवाल, मिक्सचर के अभी तक के आए हुए सवालों में सबसे अच्छा सवाल मैं इसे, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके का मामला है, पहली बात तो ये बराबर का मामला है, मतलब इसको 1:1 मान, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप दो तीन चीजें लिख लीजिए। पहला, पानी से प्रतिस्थापित, किससे प्रतिस्थापित करना है, पानी से प्रतिस्थापित करना है, मतलब जिसे मिलाना है उसका मान दोनों मिश्रणों में निश्चित कर लेते हैं, ये तो पहला पॉइंट है जो आपको नोट, ऐसे सवालों के लिए। दूसरा, मिलाए जाने वाले भाग का मान हमेशा एक लेते हैं, मतलब एक भाग मान, ये दो चीजें तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए 18 भाग दूध 8 भाग पानी है, मतलब पहले जो मिश्रण था वो था 18:8, बाद का जो मिश्रण है वो हो गया है 1:1 का, ठीक है, मतलब मिलाए जाने के बाद। तो अब देखिए मैंने आपको बोला कि पानी को मिलाना है, तो आप यहाँ पानी कितना है 8 है, इसके मान को फिक्स कीजिए तो मान कितना हो जाएगा 8/26, ये यहाँ पे पानी की मात्रा है। मिलाए जाने के बाद जो मान हो रहा है वो कितना हो रहा है 1/2, और मिलाए जाने वाला भाग मैंने हमेशा बताया कि कितना लेना है। अब ये देखिए आपको 26 और 2 हटाना है, तो हटाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और 26 और 2 का एलसीएम हमेशा कितना आएगा, 26 ही आएगा, तो यहां भी 26 का गुणा, यहां भी 26 का गुणा, 26 से 26 कैंसिल, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13, और यहां भी 26। अब देखिए यहां कितना बचा, यहां बचा हुआ है 8, यहां कितना बचा, यहां बचा हुआ है 26, यहां कितना बचा, तो यहां बचा हुआ है, अब आप इसको कर दीजिए, 26 में से 13 गया, 13 बचा, 13 में से 8 गया, 5 बचा। अब आपसे पूछ रहा है तो पानी कितना है यहाँ पे, अब रेशियो 13:5 का बन गया, तो ये 5 और 13+5 वही जो आपने ऊपर किया, मतलब उत्तर हो जाएगा 5/18 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। इसीलिए मैं बोल रहा था
कि मिक्सचर में अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों में सबसे बेहतर सवाल ये है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। हमेशा एक बात याद रखिए, जिसको मिलाना है उसके मान को दोनों मिश्रणों में निश्चित कर लेते हैं और मिलाए जाने वाले भाग को हमेशा एक मान। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, क्या बात है, क्या बात है, अगेन मिक्सचर। दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध पानी का अनुपात 3:1। ध्यान दीजिए, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो 90 लीटर में जो भी दूध और पानी रहा होगा, ऊपर से हमने पानी मिलाया है, मतलब दूध की मात्रा वही की, दूध की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हो रहा, उसके अनुपात में बदलाव हो रहा है। मतलब आप खुद देखिए, ये मैंने ले लिया मिल्क, ये मैंने ले लिया वाटर। सवाल आपको कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, टोटल मात्रा कितनी थी 90, मतलब इन दोनों का मिला करके 5 हो गया, 5 = 90, मतलब 1 = कितना हो गया 18, मतलब 4 = 4×18, मतलब बराबर कितना हो जाएगा, दूध है 72 लीटर, 1×18, मतलब पानी कितना है तो 18 लीटर। ये बात तो फिक्स हो गई, ये बात तो फिक्स हो गई कि जो 90 लीटर का मिश्रण था रेशियो 4:1 का था, मतलब ये हुआ कि उसमें दूध 72 लीटर है और पानी कितना है, पानी है कितना, पानी है 18 लीटर। ठीक है, कहेंगे तो एक तरीके पर भी और आपको बता दूंगा। अब आप देखिए, अब जो रेशियो हुआ है वो कितना हुआ है, 3:1 का। चेंज क्या हो रहा है, पानी, दूध नहीं चेंज हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू तो यही रहनी है, मतलब 3 = कितना है 72 लीटर, मतलब 1 = कितना हो जाएगा 24 लीटर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24 लीटर। अब आप खुद देखिए, ये पहले कितना था 18, अब कितना हो गया है 24, मतलब जो मिलाया गया वो कितना मिलाया गया है, वो मिलाया गया 24 - 18, मतलब कितने लीटर मिलाया गया है तो 6 लीटर, मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा 6 लीटर, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल आपको यह देखना है कि पानी मिलाया जा रहा है, मतलब दूध की जो मात्रा है वो पहले के मिश्रण में और बाद वाले मिश्रण में समान होनी चाहिए, अनुपात दोनों जगह बदल रहा है। तो आप पहले वाले मिश्रण में दूध और पानी दोनों की मात्रा निकाल लीजिए और बाद वाले रेशियो से आप दूध को बराबर कर दीजिए। एक तरीका तो ये हो सकता है सवाल को लगाने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, यहां पर देखिए मिल्क और वाटर, यहां रेशियो कितना है 4:1 का, यहां रेशियो कितना है 3:1 का। मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया क्या जा रहा है, पानी, मतलब दूध की मात्रा तो बराबर होनी चाहिए। तो दूध की मात्रा अगर मुझे बराबर करनी है, यहां मैं 3 का गुणा करूंगा, यहां मैं 4 का गुणा करूंगा, तो 3×4=12, 3×4=12 और 4, यही तो मामला है। मतलब पहले दूध 12, पानी 3, फिर 12 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, रेशियो कितने का है, जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, यही हो रही है ना। अब आप खुद देखिए, 12 + 3 ये कितना है 15, और 15 = कितना है 90, मतलब 1 = कितना हो जाएगा 6 लीटर। देखिए ये कंफ्यूज मत होइएगा, पानी मिला देने के बाद जो मिश्रण की मात्रा है वो भी बढ़ेगी, इसलिए इसको बराबर करना है, 1 = 6, मतलब जो मिलाया जाने वाला पानी है वो कितने लीटर है 6 लीटर। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो ये कर लीजिए, आपको अगर पहले वाला समझ में आ रहा है तो पहले वाला कर लीजिए। बस ध्यान में आपको एक बात जरूर रखनी है कि दूध बराबर है, दूध की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो यहां आप दूध को बराबर कर दीजिए। चाहिए तो दूध की आप पहले मात्रा निकाल लीजिए, फिर उसको रेशियो के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार का निर्माण 5 दिन में कर सकते हैं, तो 24 पुरुष 2 दिन में उसी दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण करेंगे, ये सवाल है।
यहाँ तो आपको पता ही है, जब कभी भी वर्क वाली बात आती है तो कहानी एमडीएच मसाले में आ जाती है, टेस्टी बनाना है साथ, ठीक है। ये क्या होता है, एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन कितना है 12, ये जो 60 मीटर है ये तो काम है, 60 हो गया गुणे कितने दिन काम किया है इन्होंने, 5 दिन। फिर कितने लोग हैं, 24 घंटे यहाँ नहीं दिए गए, 24 कितने दिन में काम कराना है, 2 दिन में काम कराना है, ठीक है। उसी दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण करेंगे हो जाएगा, ठीक। देखिए 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 × 48 मीटर। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये पेपर खत्म होता है। पेपर बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा, विशेषकर मिश्रण के दोनों सवाल और बाकी भी जो सवाल आए हैं सीआई और एसआई में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एक जो अपना 15% की कमी वाला जो मामला था, मतलब सवाल मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इसको टफ लेवल में गिना जा सकता है अभी तक के पेपर्स को देखते हुए। आज का ये डिस्कशन, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आज के डिस्कशन में मैं आपको बेसिक टू एडवांस, मतलब सवाल को बेसिक तरीके से कैसा करना है और डायरेक्ट उत्तर निकालना है तो कैसे करना है, समझाने की पूरी कोशिश की है। मेरी ये कोशिश कितनी कामयाब रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।